हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं 4 साल की बेबी गर्ल का स्वेटर बना रही हूँ। आगे से खुला पॉकेट वाला कॉलर वाला, इसको की मैं 2 वीडियो तो आपको अपलोड कर चुकी हूँ। पहली वीडियो में तो मैंने फ्रंट पार्ट में हमने क्या कितने फंदे डाले हैं उसका बॉर्डर, और उसमें जो ये मैंने डिज़ाइन डाला है उसको मैं वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद मेरी सेकंड वीडियो, दूसरी वीडियो में मैंने बैक पार्ट, फ्रंट पे आगे पॉकेट, उसकी लंबाई, गले की गटाई, कंधे की गटाई, वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। कंधे की कटाई करने के बाद पिछला पार्ट तैयार हो गया। अगले दोनों फंदे कंधे हमारे तैयार हो गए, हमने उनको जोड़ दिया। ये चीज़ जोड़ने तक मैं आपको दिखा चुकी थी। अब आज हम बताएंगे कॉलर बनाएंगे, हम अपनी स्वेटर की कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर में देखिए, मैंने कलर में यहाँ पे 4 3 2 1 की कटाई की थी। पट्टी के फंदे पहले घटा दिए और उसके बाद 4 3 2 2 11 फंदे हमने घटाए थे। अब ये हम यहाँ से इसके फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो इसके फंदे ये देखिए, पट्टे की जो फंदे थे उस पे हम गला का कॉलर नहीं बनाएंगे, उसे हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, क्योंकि ये वो ज़्यादा बिल्कुल बनाते हैं तो वो हमारा गला भिजने लग जाता है, बच्चों को कई बार अच्छा नहीं लगता। यहाँ से इसके 7 फंदों को छोड़ के यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम 10 नंबर की सिलाई पर ही फंदे उठाएंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 फंदे। 20 फंदे हमने आगे के हिस्से में उठाए हैं। पीछे हमारे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 27 फंदे हैं। इन्हें हम ऐसे के ऐसे बुना लेंगे, 27 फंदे। और 20 फंदे हम इस साइड में, दूसरी साइड में भी हम 20 फंदे उठाकर, और जैसे मैंने बॉर्डर बनाया है, दो सिलाइयाँ उसकी, सेम यही पैटर्न मैं उसमें गले में बनाऊंगी। तो ये फंदे उठा के मैं बनाती हूँ, फिर हम आपको बीच में दिखाएंगे। अब ये देखो कलर में हमने बना रही हूँ, मैंने 20 फंदे हमने इसमें उठाए थे, 2 फंदे मैंने इसमें और जमा कर लिए, एक ये यहाँ पे किया, एक यहाँ पे, यानी कि 22 फंदे इधर हो गए, 22 फंदे हमारे दूसरी साइड राइट साइड और दूसरे 22 लेफ्ट साइड, 26 फंदे हमारे, 26 फंदे हमारे पीछे थे। इस तरह 22 और 22 44 और 26 70 71 फंदे हमारे यहाँ पे इसमें टोटल कलर में हैं, और 2 सिलाइयाँ पिंक कलर से, 2 मैरून से, 2 कलर से। तो इस तरह बना रही हूँ, और इसकी लंबाई उल्टी उल्टी, हम इसे उल्टा उल्टा बना रहे हैं, चाहे हम इसे सीधा सीधा बना लें चाहे हम इसे उल्टा उल्टा बना लें, वो हमारी मर्जी के ऊपर है। तो अब इसको मैं ऐसे, अभी ये और बनेगा, तो इसको कम से 2 इंच के करीब इसकी हमने लंबाई करनी पड़ेगी। अभी तो इसकी लंबाई हमारी
एक इंच से कम है तो 2 इंच में कम से कम करूँगी, तब ये फोल्ड करने में अच्छा लगेगा। तो ये मैं और बना लेती हूँ 4 सलाइयाँ। ये देखो अब हमने ये कॉलर बनाकर तैयार कर दी है। इसकी कॉलर की लंबाई मैंने रखी है 2.5 इंच से ज़्यादा, 2.56, 2.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये इस इतनी कॉलर बनाने से ये हमें मोड़ने में बिल्कुल अच्छे ढंग से, हमारी इसकी मोड़ने में दिक्कत नहीं आती और बहुत अच्छी लगती है मुड़ी हुई। फिर ये अगर थोड़ी छोटी बनाते हैं तो ये हमारी, ये देखो मैं अभी मोड़ के आपको दिखाती हूँ, तो वो छोटी छोटी सी हमें अच्छी नहीं लगती। ये देखो ये हमारी कॉलर, ये बनकर हमने तैयार कर दी है कॉलर। तो हमारा इस तरह फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हमारा दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम बनाते हैं अपनी बाजू, इसकी रहेगी अब हमारी बाजू बाजू बनानी। बाजू में मैंने, ये देखिए बाजू मैंने शुरू की हुई है। बाजू में हमने डाले हैं यहाँ 40 फंदे, 40 फंदे डालकर और 3 सलाइयाँ पहले मैरून कलर से डाली हैं, और फिर उसके बाद क्योंकि उल्टी साइड से हम हमेशा नए धागे को जोड़ते हैं अगर हमने उल्टा उल्टा बनाना है, तो अब हम ये बना रहे हैं 2 सलाइयाँ पिंक कलर से, 2 मैरून से। जितना मैंने बॉर्डर फ्रंट पार्ट का बनाया है, फ्रंट बैक पार्ट का, उतना ही बॉर्डर हम बनाएंगे। और उससे आगे मैं अब आपको दिखाऊंगी, पहले इसमें बॉर्डर को तैयार कर लेती हूँ। स्वेटर की लंबाई देखते हैं, हमारे स्वेटर की लंबाई बता देती हूँ मैं, टोटल हमारी कितनी बैठी है। ये 10 इंच तो मैंने कंधे तक की है और हमारी 15 इंच, ये देखिए यहाँ हमारा ये जोड़ है, तो लगभग 16 इंच के करीब हमारी है टोटल लंबाई है, क्योंकि ये 3 से 4 साल के बेबी की स्वेटर है तो हमें इतनी लंबाई तो करनी होगी। चौड़ाई में तो अभी मैं सील के फिर बताऊंगी हमने चौड़ाई में कितना किया है। हमने ये बॉर्डर बना लिया, बॉर्डर हमारा बाजू का बॉर्डर है ये हमारा 2 इंच से थोड़ा कम है, यानी कि 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सलाइयाँ हमने इसकी बॉर्डर की बनाई हैं। 19 सलाइयाँ बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 40 फंदे मैंने नीचे डाले थे, एक फंदा ये यहाँ बढ़ाया, एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया है। ये देखिए यहाँ 2 फंदों के बाद अब यहाँ मैं 6 सलाइयाँ फिर अब हमने और बना ली। राइट साइड बनाने के बाद एक बार फिर बैक साइड से बनाई, फिर एक बार लेफ्ट से, फिर बैक से 3, फिर राइट से और फिर बैक से, इस तरह 5 सलाइयाँ बनाने के बाद 6ठी सिलाई पर हम यहाँ पर फिर फंदा बढ़ाएंगे। तो मैं कैसे फंदा बढ़ाते हैं ये मैं आपको भी बता देती हूँ। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, दूसरा फंदा बना के इसको दोबारा एक बार पीछे से फिर बनाएंगे। तो इस तरह अब एक फंदे में से 2 बन गए, 2 फंदे से 3 फंदे हो गए हैं। अब हम इसमें अपना डिज़ाइन जैसे डालना है वो डालना शुरू करेंगे। तो ये हमारी दूसरी बाजू है, ये हमने ऐसे डाला है यहाँ पर। ये देखो एक फंदा मेरा ये बढ़ा है, दूसरा फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया है। इस पैटर्न को मैंने बताया तो हिस्सा बनाया तो मैंने उसमें बता दिया आपको पैटर्न कैसे, ये डिज़ाइन कैसे डाला है। फर्स्ट वीडियो में ही मेरे ये बॉर्डर और मैंने इस पैटर्न को डालना बताया था। 4 फंदों का ये है सिर्फ और 4 ही सिलाइयों का है, इस तरह इसको डाल रही हूँ मैं। हर 6 सिलाइयाँ सीधी बनाई हैं, 6 सिलाइयों का गैप है और 6 सिलाइयों के बाद मैं इसको डालते रहे बढ़ाकर, यहाँ से 6 सिलाइयों के बाद बढ़ाते बढ़ाते
ये 6 सिलाइयों के बाद देखिए यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, ये फट रहा है। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 6 सिलाइयाँ बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर हमारे हो गए हैं 66 फंदे। 40 फंदे थे, 66 फंदे हो गए हैं। और हमारी इसकी बाजू की लंबाई भी पूरी हो गई है। इसकी लंबाई देखिए हमने 11 साढ़े 11 इंच है। 11.5 इंच की लंबाई करने के बाद 66 फंदे हो गए हैं। अब इसकी हम यहाँ पर घटाई शुरू करेंगे। तो घटाई इसकी कैसे करेंगे ये भी मैं बताती हूँ आपको। शुरू में हम जैसे हमने आगे पीछे घटाए हैं 4 फंदे, 1, 2, 3, 4 फंदे घटा दिए। अब हम जैसे हमने पैटर्न डालना है, 6 सिलाइयाँ क्योंकि हो गई हैं तो हम यहाँ पे इसमें पैटर्न डालना है हमें अपना, इसको डालेंगे। अब यहाँ पर ये हर जो भी पैटर्न मैं डाल रही हूँ एक फंदा आगे बढ़ सरका के, पहले मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, अगली बार इस फंदे के ऊपर जो लास्ट वाला फंदा है उसके ऊपर एक फंदा सर बनाते गए हैं, तो ये हमारी तिरछी तिरछी लाइनें आती जा रही हैं इस तरह। अब हम यहाँ पर दूसरे कलर से, मैरून कलर से एक फंदा बनाएंगे, 5, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ 5 फंदे बनाएंगे, 3, 4, 5, इस तरह पूरी सिलाई पूरी करेंगे। 4 फंदे इधर से बना दिए, अब 4 इधर से घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। इस तरह हमने 10 फंदे घटाए थे वही 10 फंदे बाजू में भी घटाएंगे। 20 फंदे घटाने के बाद फिर मैं अभी आपको आगे बताऊंगी हमने कितना और घटाना है उसको। अब ये यहाँ पर घटाई 4, 3, 2, 1 की घटाई करने के बाद अब हमने यहाँ 2, 2, 2, 2, 8 फंदे, यानी कि 10 फंदे तो हमारे ये 4, 3, 2, 1 से थे और 2, 2 करके 8 फंदे और घटाए हैं। 4, 3, 2, 1, फिर उसके बाद 2, 2, 2, 2, 8 फंदे इधर से, 16 फंदे इधर से घटाए हैं, 16 फंदे इधर से घटाए हैं। हमारे पास 66 फंदे थे, मैंने यहाँ पर आपको बताया था मैंने बढ़ाते बढ़ाते हमारे हुए थे 66 फंदे। 66 फंदों में से मैंने यहाँ पर घटा दिए, 16 फंदे इधर घटाए हैं, 16 फंदे इधर घटाए हैं, 16 और 16 32 फंदे घट गए हैं, बाकी हमारे पास ये ऊपर बच गए 16, 18 फंदे, 4, 3, 2, 1, फिर 2, 2, 2, 4 बार 18 फंदे इधर से घट गए, 18 फंदे हमारे इधर से घट गए। अब हमारे पास बच गए हैं ये जो भी फंदे बचे हैं, तो इनको अब हम इकट्ठा सारे को एक बारी में यहाँ पर घटा देंगे। इस तरह घटाते हुए हम पूरी सिलाई को ख़त्म कर देते हैं, पूरे फंदों को। तो ये हमारी बाजू बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह सेम हम दूसरी बाजू भी बनाकर रेडी कर लेते हैं हम, फिर आपको सील कर बटन लगा के इस स्वेटर को हम दिखाते हैं। ये भी सारे फंदों को, 30 फंदे हमारे पास बचे हैं ये 30, 31, तो इनको सारों को हम इकट्ठा ही बंद कर देंगे। दोनों साइड से 18, 18 फंदे घटा दिए। अभी आपको इसकी शेप दिखाते हैं, हमारी इसकी बाजू की शेप, कटाई करने की शेप। ये देखिए हमारी शेप, और इधर से ये अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये हमारे कंधों की शेप देख लो, और इधर से ये शेप इतनी अच्छी बन के आई है। अब इसकी हम कंधे तक लंबाई आप बताते हैं, मैंने 11 इंच के करीब की थी, 11 इंच तो हमारी इसकी कंधे की लंबाई है। टोटल लेंथ हमारी इसकी 14 इंच के करीब है। तो ये हमारी
ये देखिए यहाँ पर 14 इंच इसकी टोटल लंबाई है और हमने 11 इंच की लंबाई इसकी बाजू तक कंधे तक रखी थी। तो अब ये दूसरी बाजू और तैयार करते हैं हम। ये अब हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये एक साइड से तो मैंने सिलनी शुरू कर रखी है, ये देखिए ऐसे। तो इसको कैसे सिला है मेरी दूसरी साइड से आपको ये बताती हूँ। बैक साइड करके कंधे का जो हमने यहाँ पर जोड़ लगाया है उस जोड़ से और बाजू का हमने जो बाजू बनाई है इस बाजू को हाफ हाफ मोड़ के देखेंगे, यहाँ से मोड़ लेंगे और ये बीच में जो जहाँ पर ये घटाई यहाँ से हमारी घटाई है और यहाँ पर ये जो घटाई वाला हिस्सा है इसके बीच में सेंटर वाला हिस्सा और ये जो कंधे का आगे फ्रंट पार्ट का जोड़ है इसके जोड़ को हम आपस में मिलाकर यहाँ से बिल्कुल ले लेंगे तो हाफ हाफ ही हमारा ये इधर से जाएगा। नापेंगे तो हमारा ये बिल्कुल बराबर आएगा, हाफ ही हमारा ये इधर से जाएगा। इसको भी नापेंगे तो हमारा ये देखिए यहाँ से हम नापते हैं तो चाहे हम यहाँ से सिलना शुरू करें वहाँ तक सिल चले जाएं लेकिन ये निशान लगा लें यहाँ तो बहुत अच्छे ढंग से फिर ये सिलाई आती है इसकी। तो ये यहाँ पर इसका जोड़ हम ये यहाँ पर लगा लेंगे और इसको अब यहाँ से जहाँ हमारा धागा हो इसको यहाँ से ये और इसमें धागा डाल के इधर से इधर सिल लेंगे, इधर से इधर सिल लेंगे। पहले कंधों को सील कर फिर ये नीचे की बाजू की और ये फ्रंट की और बैक पार्ट की साइड की सिलाई लगाएंगे। तो एक बार ये मैं बताती हूँ आपको एक टाँका लगा के हमारी सिलाई कैसे की। इधर से लेंगे ऐसे, इस तरह ये यहाँ से यहाँ तक सील लेते हैं हम।